सिचुएशंस में सिर्फ सॉल्यूशंस ही ढूंढ सकते हैं सर. मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम क्लोजर. प्रगसिया मैम, वुड यू लाइक टू कम दिस साइड और बी क्लोजर टू द लैब प्लीज. प्लीज बी क्लोजर. थैंक यू मैम. कम ऑन लाइक सच अ मेन वी ऑल द हैंड्स टुगेदर. वाओ, थैंक यू मिस आशा, दैट वाज ब्यूटीफुल. यस, एक्चुअली एवरीवन इज थिंकिंग हु इज द नेक्स्ट वन. वुड यू लाइक टू ट्राई? प्लीज लेट्स गो अहेड. चाहूंगा, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं बहुत देर से आया. दरअसल पुलिस वाला जहां खुशी का मौका होता है वहां देर से ही पहुंचता है, जहां लोग तकलीफ में होते हैं वहां जल्दी. जब आज आप मुझे जरूरतमंद होकर बुलाओगे मैं जल्दी पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा. और वैसे बहरहाल मैं पिंपरी चिंचवर पुणे का पुलिस आयुक्त हूं, इसलिए वहां से आने में यहां विलंब हो गई. मैं आप लोगों से एक बार फिर क्षमा चाहूंगा. मैं लेकिन आप लोगों की हौसला अफजाई करते हुए सभी जिन लोगों को पुरस्कार मिला है, व्होएवर हैव रिसीव्ड द प्राइजेस द अवार्ड्स, मैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए यही कहूंगा कि आगे अभी बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं. और नीरज की पंक्तियों में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों दोनों नदो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ गगन के सितारों नदो साथ मेरा. हर व्यक्ति में एक खासियत होती है, एवरीवन इज यूनिक. आम लोग ही खास होते हैं पर उनको अपनी खासियत पहचाननी होती है. मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड मोर देन एवर यू हैव इमेजिन्ड. बट टू डिस्कवर दिस स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड यू नीड टू हैव अ पैशनेट ब्रेव हार्ट. एंड इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग एंड यू are ready to take risk for that, you can achieve anything under the sun. और इसलिए मेरी एक कविता से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमने शब्द रखकर भी संवाद रचते हैं. जहां घोर निराशा है वही विश्वास रचते हैं, अंत जहां होता वही नई शुरुआत रचते हैं, धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, हौसलों के दम पे नए परवाज रचते हैं, गर्दिश में रहकर भी सच्चे ख्वाब रचते हैं. गर्दिश में रहकर भी सच्चे ख्वाब रहते हैं, हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं. हम घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं,
हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं। हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं, हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। तो यू ऑल हैव क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री और आपने एक इंस्पिरेशनल न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है, इसलिए आप तमाम लोगों को जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया, वी वुड हैव वन द प्राइजेस, आई कन्वे माय कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, थैंक यू, गो अहेड, वे टू गो, थैंक यू, जय हिंद। The International Excellence Awards here at the International World Records, brought to you by IEA Book of World Records. So thank you so much, the entire jury who's been here with us. Jaate jaate muskurate jao yaar, ab kaam ki ghadi khatam ho gayi, and this is only action time, smile time, and celebration time. Thank you, Dr. Sandeep, for being here with us. I request you to kindly join Mr. Anil Nair for the lighting of the lamp ceremony, and maybe please invite our dignitaries to be here with us. Miss Archana Kochar, maybe please have our renowned ace designer, Miss Archana Kochar. और इतनी ट्रैफिक में भी सर अपना कमिटमेंट पूरा किए, yes. और इस कमिटमेंट के लिए सर को जितना सलूट किया जाए उत्तम है। सर ने बोला मैं आ रहा हूँ तो सर आए गए, वहाँ पे लेट सही तो क्या हुआ सर, बट आपने अपना कमिटमेंट सर पूरा किया है, एंड आप जैसे लोगों को मिलके इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक बहुत बड़ा सर अचीवमेंट है कि आप जैसे इंस्पायरिंग पर्सन जिन्होंने आज ट्राइथलॉन किया, उन्होंने आयरन मैन का रिकॉर्ड मिला है, और सर ने रॉ एक सर्टिफिकेट रह गया आपका, लेट मुझे मिला आपका, हाँ हाँ, तो सर ने वेस्ट अमेरिका में रॉ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे आप तो लोगों से? हार्दिक शुभकामना देता हूँ। लोगों ने बहुत ही बुरे दिन देखे, बट मैं ये कहूँगा पास्ट इज पास्ट, सर्ट द पास्ट, और आज प्रेजेंट में हम लोग अपना काम करेंगे सब कुछ फिर से। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, आप लोगों ने बहुत सारे अवार्ड लिए होंगे, आप अच्छे कामों से आपको अवार्ड मिलते हैं, बट जब कोई रिकॉर्ड करता है ये उसका एक यूनिक अचीवमेंट होता है। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मेन उद्देश्य है आपके साथ भी आपके मिस्टर दिलीप इज़ हियर फ्रॉम राजस्थान, और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्पेशल अवार्ड है, एंड इसका सिग्निफिकेंस भी बताएंगे हमें दिलीप जी। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपको डॉक्टर संदीप सिंह फॉर बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ समथिंग व्हिच इज द प्राइड ऑफकोर्स ऑफ द किंग्स एंड द रूलर्स, एंड दिस इज फ्रॉम राजस्थान स्पेशली फॉर डॉक्टर संदीप। एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाय हाय, हेलो एवरीवन, ये राजस्थान की शान है जो 550 साल पुरानी तलवार है, जो कि मैं माउंट आबू टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान से, और ये मेरी तरफ से सर को एक छोटा सा तोहफा है, जो राजघराने से ये तलवार है तो सर को मेरी तरफ से भेंट है। थैंक यू दिलीप जी फॉर योर काइंड लव एंड सपोर्ट फॉर आईए, एंड आपका जो आपने मुझे तलवार गिफ्ट की है बेसिकली क्षत्रियों की शान होती है, तो बीइंग क्षत्रिय और बीइंग राजपूत दिस इज अ रियली अमेजिंग फॉर मी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू। वॉच, ये शाम एक महत्वपूर्ण शाम है जहाँ ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जिनके हाथों में भी गुलमोहर के फूल थे, जिनकी होठों में भी मुस्कान थी, अर्थात जिन्होंने भी उपलब्धियाँ हासिल करी और विशेष उपलब्धियाँ हासिल करी, लेकिन कहीं किसी कारण से छूट गया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले रिकॉग्निशन मिल चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने ढूंढा। बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड के आयोजकों को, क्योंकि उन्होंने एक मकसद रखा है ऐसे लोगों को ढूंढने का जो बहुत ही प्रतिभा संपन्न है और विशेष उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद। जय। आज आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई, मैं ऐसे कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा अवार्ड मिलेगा। इन्होंने डॉक्टर साहब की जो कृपा है, उन्होंने
उनका अवार्ड मिला, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मेरे तरफ से तुम्हारे की शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है शास्त्री राजकुमार पांडे।